हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड आपका फिर से मेरे चैनल रोलेक्स ब्लॉग पे स्वागत है। तो फ्रेंड आज है सावन का पहला सोमवारी। जी हाँ, आप लोगों को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, तो फ्रेंड आज हम लोग जा रहे हैं सोनपुर। जी हाँ, जो कि सोनपुर में बाबा हरिहरनाथ स्थित है, जो कि बहुत एक पुराना मंदिर और बहुत ही विश्वसनीय मंदिर यहाँ पे है। तो फ्रेंड आज हम आपको दिखाने वाले हैं सोनपुर का हरिहरनाथ मंदिर इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और चलिए हम अपना जर्नी दिखाते हैं कि कहाँ तक हम कैसे पहुंचते हैं बाबा हरिहरनाथ सोनपुर। तो आप लोग वीडियो में बने रहेगा, चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हर हर महादेव। तो फ्रेंड हम लोग का जो फाइनली गाड़ी आ चुका है फरक्का एक्सप्रेस। इस गाड़ी से हम लोग दानापुर जाएंगे और दानापुर से हमारा वहां पे जो गाड़ी आएगा जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस, हम आपको उसका दिखाएंगे। तो चलिए, हमारा गाड़ी आ चुका है। फाइनली फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं हमारा फरक्का एक्सप्रेस आ चुका है और इसी से हम लोग दानापुर चलते हैं। तो फाइनली फ्रेंड आप लोग देख सकते हो ये फरक्का एक्सप्रेस और हम लोग दानापुर आ चुके हैं और जस्ट जैसे उतरे हैं तो हमारा ट्रेन भी आ रहा है जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कि इस गाड़ी से ही हम लोग सोनपुर जाने वाले हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड फाइनली दानापुर टू जयनगर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए हम लोग इसी में आपको चलिए तो हम धरते हैं और चलते हैं अपने सोनपुर हरिहरनाथ बाबा के पास। तो फाइनली गाइस आप लोग देख सकते हो यही जयनगर इंटरसिटी है, जो कि यही गाड़ी लेकर के हम लोग सोनपुर जाने वाले हैं बाबा हरिहरनाथ। जी हाँ, तो चलिए क्या कुछ रास्ता में आपको कुछ खास देखने को मिलेगा इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं इस गाड़ी से हम लोग जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस से हम लोग सोनपुर। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू रखते हैं। फ्रेंड हम लोग जयनगर इंटरसिटी में बैठ चुके हैं और आप लोग देख सकते हो कुछ कारण यहाँ पे ट्रेन है, थोड़ा सा रुका था, पर यहाँ एक आगे पटना में फेमस जगह आने वाला है। जी हाँ, फेमस नदी जो कि गंगा नदी, जो कि हमारे यहाँ जो मरीन ड्राइव है, जो पटना का मरीन ड्राइव नया बना है, वहाँ का आपको देखने को मिलेगा गंगा जी पटना मरीन ड्राइव। जी हाँ, तो चलिए हम आपको वो सुंदर सा पल, सुंदर सा खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। फाइनली फ्रेंड हम लोग जो है अभी पाटलिपुत्र स्टेशन पहुंचे हैं और इसके बाद जो है सोनपुर हम लोग पहुंचेंगे, जो कि लास्ट मेरा स्टॉपेज सोनपुर ही रहेगा। तो अभी हम लोग पाटलिपुत्र स्टेशन पे खड़ा है। तो फ्रेंड वो आपको जगह दिखाने वाले हैं जो कि नया मरीन ड्राइव और हमारा जो है फेमस गंगा जी, जो कि आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए आज हम आपको वो दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा। तो फाइनली फ्रेंड अभी हम लोग पाटलिपुत्र स्टेशन पहुंचे। जी हाँ, जो कि दानापुर के बाद स्टॉपेज पाटलिपुत्र है और पाटलिपुत्र के बाद स्टॉपेज सोनपुर जंक्शन है, जो कि हमारा लास्ट स्टेशन वहीं पे रहेगा। तो चलिए अभी हम आपको वो जगह दिखाने वाले हैं जो कि मरीन ड्राइव और गंगा जी और डबल डेकर जो पुल है, वहाँ का जो नज़ारा है बहुत ज़्यादा ही अच्छा आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। मुंबई की बीच की तरह जो है आपका नज़ारा देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे, आप लोग वीडियो अंत तक देखिएगा। हर हर महादेव। तो फाइनली फ्रेंड देख सकते हो अभी का जो सुख है पटना में, जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा पटना मरीन ड्राइव। जी हाँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। तो चलिए वो देखिए डबल डेकर आप लोग को पुल दिख रहा होगा, उसी के अंदर हम लोग अभी जाने वाले हैं। तो फाइनली फ्रेंड देख सकते हो अभी का जो जन्नत है हम लोग के पटना में, जो कि ये है गंगा जी और मरीन ड्राइव, जो कि अभी पटना का सबसे खूबसूरत प्लेस यानी कि सबसे खूबसूरत जगह आपको यही देखने को मिलेगा।
फाइनली फ्रेंड हम लोग सोनपुर आ चुके हैं, जयनगर इंटरसिटी से सोनपुर आ चुके हैं और अब हम लोग यहाँ से चलते हैं बाबा हरियरनाथ। तो फ्रेंड कैसे जाना है आपको सब इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो चलिए चलते हैं बाबा हरियरनाथ। फ्रेंड सोनपुर स्टेशन और हमारा गाड़ी जो कि जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस, इसी गाड़ी से हम लोग उतरे थे और अब यहाँ से जस्ट सामने जाना है और जैसे ही प्लेटफॉर्म खत्म होगा वहाँ से हम लोग ऑटो धरेंगे, जैसा कि आपको इस वीडियो में सारा चीज बताएंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। आपको एक खिस्सा बताते हैं, जो कि अभी हम जस्ट दानापुर से जयनगर के लिए जो ट्रेन था उसमें एक भैया आ रहे थे जो कि टीटी भैया थे, तो हमें जानते हैं तो उन्हीं के साथ सफ़र कर रहे थे दानापुर से सोनपुर तक। तो लास्ट स्टॉपेज सोनपुर मेरा था, सोनपुर में उतरते समय वो भैया सिर्फ इतना बात बोले कि बाबा पास जा रहे हो तो बस इतना दुआ करना कि तुम्हारी भाभी को बेटी जरूर हो। ये फ्रेंड सुन के हमें बहुत अच्छा लगा, दिल से दुआ करेंगे जा करके कि हमारी भाभी का जो बेटी है वो जरूर हो, क्योंकि भैया ने खुद कहा कि जाने का तो मुझे समय मिलता नहीं है लेकिन आप जा रहे हो, आप हमें जानते भी हो, आप ये दुआ जरूर मांगना, तो हम जरूर भैया के लिए ये दुआ जरूर मांगेंगे। तो चलिए चलते हैं बाबा हरियरनाथ की तरफ। देख सकते हो फ्रेंड उधर एक नंबर प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उधर से वो पटना वाला रूट है और ये जो है आपको जाएगी बरौनी या जयनगर का रूट, ठीक है। तो जस्ट आपको लास्ट स्टॉपेज तक आ जाना है जो कि प्लेटफॉर्म यहाँ पे खत्म हो जाता है और इसके बाद खत्म होने के बाद आपको इसके बगल में चले जाना है, इसके आपको बगल में चले जाना है, ठीक है। बगल में जाइएगा, आपको ऑटो वगैरह बगल से ही मिलेगा और उसके जस्ट आगे जहाँ सोनपुर मेला लगता है जो कि दुनिया का फेमस मेला है सोनपुर मेला, आपको वहाँ पे यहाँ से बगल में ऑटो मिल जाएगा। तो देख रहे हो फ्रेंड वहाँ से आने के बाद, प्लेटफॉर्म से आने के बाद इधर साइड में आपको रास्ता मिलेगा और यहाँ से आपको जो है बाबा हरियरनाथ के लिए ऑटो मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। जस्ट रोड के सामने आने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा हरिद्वार मंदिर और काली घाट, जो कि इसके जस्ट आपको सामने देखने को मिलेगा बाबा हरियरनाथ का द्वार, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो आपको इसी द्वार के अंदर चले जाना है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड हम लोग जा रहे हैं काली घाट, जी हाँ, जो कि काली घाट से जल लेना है और जल लेके जाना है बाबा हरियरनाथ पास। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि काली घाट कैसा है देखने में, कैसा लगता है। अगर आप लोग नहीं आए हैं तो आप लोग यहाँ पे जरूर आए। तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को काली घाट और हम लोग वहाँ से स्नान करके चलते हैं जल लेकर बाबा हरियरनाथ पास। तो देख लीजिए फ्रेंड ध्यान से आप लोगों को दिखाता हूँ जो कि बाबा हरियरनाथ, देख लीजिए आप लोग यहीं पे आपको यही जो घाट है काली घाट, जो कि यहाँ से जल लेकर के और जाना पड़ता है काली घाट, यानी कि जाना पड़ता है बाबा हरियरनाथ पास। और आप देख सकते हो पानी कितना आपको दिखने में लग रहा होगा और यहाँ लोग स्नान करके जल लेकर के यहाँ से निकलेंगे। फाइनली फ्रेंड हम लोग अपना स्नान कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। जय बाबा भोलेनाथ। तो हमारा फाइनली जल पैक हो चुका है। अच्छा रखो, जय बाबा भोलेनाथ। काली घाट से जल लेने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं बाबा हरियरनाथ पास। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और हम आप लोगों को दिखाता हूँ कि हरियरनाथ बाबा कैसा है यहाँ पे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं लाइन में। तो फाइनली फ्रेंड देख सकते हो मंदिर का द्वार वहाँ पे है और लाइन में लोग लगे हुए हैं, तो हम भी लाइन में लगे हुए हैं। चलिए अब देखते हैं कितना देरी तक वहाँ पहुँचते हैं बाबा भोलेनाथ पास। महादेव। तो फाइनली फ्रेंड देख सकते हो बाबा हरियरनाथ। बाल बम, बाल बम, बाल बम, बाल
बाबा से दर्शन कर लेंगे और हम लोग जो है जल्दी अच्छा से अर्पण कर लिए। तो चलिए अब मंदिर दिखाते हैं कि मंदिर कैसा है, सोनपुर मंदिर में क्या क्या मंदिर है। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फाइनली फ्रेंड माँ अम्बे भवानी और यहाँ पे आपको कृष्ण राधा जी देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पे जुड़े हैं। हमारे शनि महाराज ये अंदर हुआ से लगवा के होंगे। फाइनली फ्रेंड आप लोग देख सकते हो बाबा का मंदिर जो कि यही है बाबा का मंदिर। यहाँ से आप लोग देख सकते हो सोनपुर मेला बाबा हरिहर नाथ। बाबा हरिहर नाथ जय बाबा। पूरा नहीं आया पूरा लेना नीचे से। तो फाइनली फ्रेंड आप लोग बाबा हरिहर नाथ देख लिए होंगे, घूम लिए होंगे, सारा मंदिर हम आपको दिखा दिए हैं। तो फ्रेंड अब निकलते हैं, अब घर की ओर अब चलते हैं। तो चलिए प्रसाद कुछ ले लेते हैं और उसके बाद घर चलते हैं। तो फाइनली फ्रेंड हमारा जो सामान था प्रसाद वगैरह और कुछ माँ के लिए सामान वामान लिए हैं तो वो सारा हो चुका है, सामान ले चुके हैं, प्रसाद ले चुके हैं। तो अब चलते हैं अपने घर की ओर। तो चलिए हम लोग वीडियो भी यहीं पे नहीं रोकेंगे, अभी चलिए, अभी रास्ता में अभी बहुत कुछ आपको दिखाना बाकी है। तो अभी मंदिर से हम लोग निकल चुके हैं, प्रसाद वगैरह ले चुके हैं, अब चलते हैं अपने घर की ओर। तो फाइनली फ्रेंड हम लोग सोनपुर स्टेशन आ चुके हैं और हमारा गाड़ी जस्ट यहाँ पे लगा हुआ है, देख सकते हो आप लोग सोनपुर स्टेशन आ चुके हैं और यहाँ पे गाड़ी लगा हुआ है। घर की ओर चलते हैं। तो फाइनली फ्रेंड आप लोग जैसा कि देख सकते हो हम लोग पाटलिपुत्र जंक्शन पहुंच चुके हैं। इसके बाद मेरा स्टॉपेज है पटना जंक्शन। जी हाँ, तो चलिए इसके बाद हम लोग पटना जंक्शन में उतरते हैं। देख सकते हो फ्रेंड फाइनली पाटलिपुत्र जंक्शन आ चुके हैं और इसके बाद हम लोग का लास्ट स्टॉपेज पटना जंक्शन होगा।
फाइनली फ्रेंड हम लोग जो है पत्थर जंक्शन उतर चुके हैं और हम लोग यहाँ से चलते हैं घर। हम लोग का जो ब्लॉग है यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। देख लीजिए कांवड़िया लोग भैया का भीड़ कितना है, जो कि अभी हम लोग उतरे हैं बेंगलोर इंटरसिटी से उतरे हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ है, जो कि ये सुल्तानगंज जाएगा और यहाँ आपको भर बोगी आपको देखने को मिलेगा। सब कांवड़िया लोग का ही भीड़ है, जो कि सब लोग बोलबम ही जा रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं कुछ ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।